हेलो गाइस, इस सर्दी का समय में छोटे छोटे बच्चे को सर्दी खांसी जल्दी होती है। इस समय दवा शुरू ना मिलने से छोटे बच्चे को परेशानी होती है। क्यों ना हम घर में कुछ आयुर्वेदिक नुस्ख बनाएं जो कि बच्चों को सर्दी खांसी में आराम हो। आप इस पत्ते को देख रहे हैं, इसे कैक्टस बोला जाता है। इस पत्ते को आप 10% लीजिए। आपके घरों में भी होगी, हमने भी अपने घर में लगाए हैं। मैंने ये 10 पत्ते लिए हैं। इसका किस ढंग से दवा बनता है और कैसे बच्चे को खिलाया जाता है, आइए मैं आपको इसका उपाय बताती हूँ। देखिए, हमने जो पत्ते तोड़े हैं ये हमारे हाथ में हैं। पत्ते गंदे हो गए हैं, इसे आप बढ़िया से धो लीजिए। इस ढंग के एक एक करके सारा गंदगी इसका निकल जाता है, देख सकते हैं। मैं कितनी सब पत्ते के तरह धो रही हूँ। मैं पानी अपने गंदे में कर रही हूँ। अब इस पत्ते को मैंने पहले ही गैस ऑन करके तवा रख के इसको गर्म कर लिया है। अब इस सारे पत्ते को इस ढंग से मैं उल्टा करके इसके ऊपर से डालूंगी, ताकि आप देख सकते हैं इस पत्ते पर रस भर जाती है। आप देखिए, मैंने सारे पत्ते सेक के इसे बढ़िया से इसमें रस भर गई है। अब मैं सारा पत्ता को इस ढंग से देखिए निचोड़ रही हूँ। इसका रस देखिए किस ढंग से ये गिर रहा है। बच्चे को खिला दें, इससे उसे सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। अगर सुबह शाम पिलाएं तो जल्दी ठीक होती है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।